प्रेमी दोस्तों, सीता लंका में 11 महीने रही थी, 11 महीने, और हर महीने एक बार आता था रावण उसको धमकाने के लिए। ए सीते, मैं जो कहा तुमने अच्छी तरह से सुन लिया या नहीं सुना? मुझे अपना पति स्वीकार कर ले अपनी इच्छा से, और नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ। अच्छा, हाँ, तू रावण है? हाँ, मैं लंकेश है। बिल्कुल। और मैं सीता। हाँ, मने भी जाने हैं। बिल्कुल। और मैं तने जानू हूँ। हाँ, 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 कौन कितने पानी में है? बिल्कुल, कौन कितने पानी में है ये ना देखा तने मेरा भाई, सब जानो हो मेरा, मेरा, और ध्यान से सुनने की बात है, मेरा पानी नहीं देखा अभी तने। हाँ, अच्छा, हाँ, अभी तो ना देखे, अब देखेगी, आज दिखा दूंगा। काल ये देखा? ना ना ना, मेरा भी पानी नहीं तन्ने। अच्छा, हाँ, चल आज तू भी अपना दिखा दे, हम भी दिखा दे, हम भी दिखा दे, चल। हाँ, तो सुन बात। हाँ, क्या कह रहा था? मर्ददार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी इच्छा से मेरी रानी बन जा, जितनी भी मेरी महल में रानियां हैं उन सबको तेरी दासी बना दूंगा, और मैं चार वेद का ज्ञाता हूँ, और मैं तीन लोक का राजा हूँ। ओहो, तीन लोक का तो राजा। हाँ, और चार वेद का ज्ञाता। बिल्कुल। एक बात बता दे। हाँ भाइयों, तुम भी पढ़े लिखे बैठे होगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो एक आध वेद में तो तुमने भी पढ़ रखा होगा। हाँ, और चारों वेद तो जानो ही हो, फिर भी हैं, कौन से वेद में लिख रखी है? क्या तू अपने आप ने ज्ञाता बतावे? हाँ, हाँ। कौन से वेद में लिख रखी है कि पराई बहु अपनी बना ले? न्यू बता हमें। अरे ये भाई बताओ, सही कह रही हूँ? मैं बताऊँ? हाँ बता। जिसने वेद लिखे थे, हाँ, हो सकता है वो रंडवा, वो लिखनी, आप मिठू मनता रहे हैं, वो लिखनी भूल गया होगा। ओहो, तो सुन ले बात, आगे सुनता जा, तो ऐसी ऐसी कहूंगी कि मैं तीन लोक का मालिक, मैं तीन लोक का मालिक, रावण बन लंका की महारानी। रावण कह रहा है मैं तीन लोक का राजा, रावण बन मेरी महारानी। हाँ, ये कह रहा हूँ भैया, यदि मेरी लाइन में तो एक भी बात अच्छी लगे ना, एक भी शब्द अच्छी लगे, तो मेरे नाम की ताली बजा, उस कवि के नाम की ताली बजानी है। अच्छा, मेरे नाम की नहीं। हाँ, कहिए एक बार कि मैं तीन लोक का मालिक, रावण बन लंका की महारानी। लाइसेंस गिर गया है, लिसाना गांव का है ये, और ये ओरिजिनल लाइसेंस है, इसलिए जिस भाई का हो वो लेकर जाए, इसका नाम गोपी सनोप सुभाष चंद्र लिसाना बीकानेर रिवाड़ी, जिसका हो कमेटी वालों से ले ले, रामायण की रागनी चल रही बहुत अच्छी। दुनिया में ना दूजा बलवान है, मेरे
इस दुनिया में ना दूजा बलवान है। छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में ना कोई बलवान है। बिल्कुल बलवान हाँ। वो तो धनुष में जान के ना तोड़ा तेरा। एक औरत ने कंधे पर डाल के लिया है तो बलवान हो गया। बिल्कुल हाँ। देखिए किसे भीम है मने उठा के बलवान कह रहा है, किसे भीम है उठा के लाता जो तेरा गोबर से निकाल देता। उसका के करता हाँ। मैं एक उसका के करता मैं उसका के करता मुझे तो रानी चाहिए होना यहाँ भी कुछ ना। अच्छा चिंता मत ना करे। दूसरी खूबी सुन ले मेरी। कह दे मैं चार वेद का ज्ञाता हूँ, मैं चार वेद का ज्ञाता हूँ, मुझसा ना बड़ा विद्वान है। मैं चार वेद का ज्ञाता हूँ, मुझसा ना बड़ा विद्वान है। भैया चार वेद का तो ज्ञाता है और विद्वान कह रहा आपने ना है। अरे रहन दे तन्ने तो चारों वेद भी फेल कर दिए और सारी विद्वानी भी खोती। सुन कैसे खोती। अच्छा तन्ने तो चारों वेद पढ़े पढ़ाए फेल कर दिए। वो कैसे बना। सारी विद्वानी भी खोती। वो कैसे। और विद्वान कह रहा आपने ने। हाँ बिल्कुल एक शब्द रटा पड़ा है मेरे। अच्छा हाँ वेदों का। और तन्ने ऐसा काम कर दिया हाँ। खाक में मिला दिए तन्ने सारे वेद। अपनी बात बता तू काम मत ना मुझे। अरे रण दे अभी नाड़ काट दूंगा तेरे। अरे वो कट गए हाथ सितों पे। हाथ उठाने वाले कह दे अपनी बात। हाँ मेरे से बड़ मैं चार वेद का जानता हूँ, मुझसे ना बड़ा विद्वान है। देवता देख ऐसे ऐसे किडनैपर
ऐसे ऐसे कितने पर विद्वान हो रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे देख लियो देवता। हाँ, तमी तमत ना करियो इस काम ने। मेरे में दो गुण हैं। हाँ, एक तो मैं पृथ्वी का देवता ब्राह्मण भी हूँ, और क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञान को जानता हूँ, और दूसरे प्रजा का राजा भी हूँ। तो मैं तो सबसे बड़ा हूँ इस दुनिया के अंदर। क्यों बट्टा ला रहा है अपने ऊपर? फिर भी जो है क्यों बट्टा ला रहा है? कौन सी? एक तो है यो ब्राह्मण, और दूसरा राजा। राजा हाँ। दोनों प्रणालियों पे बट्टा ला रहा है, दोनों प्रणालियों पे। चुप रह, मेरी बात सुन ले। आपका जवाब दूंगी ठोके। वीरेंद्र जी 500 रुपए से कलाकारों का सम्मान करें। सरपंच साहब का ताली बजा के मान सम्मान करिए। हीरा लाल नारायण रेवाड़ी से 1100 रुपए, शिव हार्डवेयर रामपुरा रोड रेवाड़ी 1100 रुपए, सुभाष दूधिया नया गांव 1100 रुपए, नवरतन जी लिसान 1100 रुपए, और रतन बार्बर बोडिया कमालपुर 1500 रुपए देते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए बनवासी
जिंदगी की साथ कुटी में क्यों जिंदगी ना खोया करे बनवासी की साथ कुटी में क्यों जिंदगी ना खोया करे। हाँ पति वरता ने पति की कुटी भी पति भैयाओं के बारे ऐसी बात कहूंगी यदि अच्छी लगे तो ताली जरूर बजा दियो भैया। अपनी बहनों से बजा तू ताली। हाँ मेरी बहन भी बजा देंगे अरे कान खोल के सुनती रहो तुम भी। अच्छा हाँ कहिए। उस बनवासी के साथ कुटी में क्यों जिंदगी न खोया करे बनवासी के साथ कुटी में क्यों जिंदगी न खोया करे। हाँ पतिवरता ने पति की कुटी भी पतिवरता ने पति की कुटी भी ए महल बराबर हुईया करे हे पतिवरता ने पति की कुटी भी महल बराबर हुईया करे। हाँ तू बन मेवा मैं बनू तोता तू बन मेवा मैं बनू तोता पूरा रात दिन क्यों रोया करे तू बन मेवा मैं बनू तोता पूरा रात दिन क्यों रोया करे। मैं तो मेवा हूँ पत्ता ने तोता नहीं बनाऊ। अच्छा इस मेवा को तने कति नहीं खान दूं। अच्छा कई लाख जतन कर ले तो तेरी वा तो कहावत तने सुनी होगी के बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां ते आए। मेरे साथ में जो राक्षसनी है हाँ? आज मैं लेके नहीं आया हूँ हाँ? अगर इन्हें कह दूंगा ना तेरा खून नोच नोच के खा लेंगी ना खून नोते अन्ना मेरी बात मान ले। अच्छा हाँ कहे सुन ले हाँ? मैं बन तोता तू बन मेवा रात दिना क्यों रोया करे मैं बन तोता तू बन मेवा रात दिना क्यों रोया करे। वो आम नहीं खा सकता जो औरों के आम नहीं खा सकता जो औरों के राह में की कर बोया करे वो आम नहीं खा सकता औरों के राह में की कर बोया करे। हाँ सब सुख भोग मेरे महलों में परेशानी सब सुख भोग मेरे महलों में क्यों उठावे परेशानी। हाँ मेरे प्रभु के चरणों में रे मेरे प्रभु के चरणों में सारे सुख सावे सब प्राणी तीन लोक का राजा रावण बन लखा की रानी तीन लोक का राजा रावण बन लखा की रानी। अच्छा और नहीं तो हम क्या करेंगे के करेगा उस बात को सुन ले। अच्छा मेरे अधीन है। अच्छा मेरी सुन ले बात हाँ? काले कुएं में लटक रहा